रुक करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश के बैतूल में बोरवेल में फंसे 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। करीब 84 घंटे बाद शव को बाहर निकाला गया। रेस्क्यू टीम सुबह 3 बजे से जो है बच्चे के पास पहुंच गई थी। सुबह 5 बजे तक शव को बाहर निकाला जा सका। 7 बजे बैतूल के जिला अस्पताल में शव को लाया गया, जहाँ 5 डॉक्टरों की टीम ने शव का पोस्टमार्टम किया। बता दें कि इस मामले पर कलेक्टर अवनबीर सिंह बैस ने बताया कि बोर 400 फीट गहरा है। बच्चा करीब 39 फीट की गहराई में फंसा था। रेस्क्यू टीम ने बोर के समानांतर 44 फीट गहरा गड्ढा खोदा। इसके बाद 9 फीट की हॉरिजॉन्टल सुराख खोदी गई। बच्चे के चाचा राजेश चाहू ने कहा कि हमारे लिए बहुत दुख की घड़ी है। हमने तो ये सोचा था कि हम सफल होंगे और हमारा बच्चा हमें वापस मिल जाएगा। बचाव दल ने तो दिन रात प्रयास किया है, पर कहीं ना कहीं हम लेट हो गए। संसाधन होते जिससे हम बच्चे को उसी दिन निकाल पाते, संसाधनों की कमी या नजर आई तो वो बच जाता। टीम वर्क बहुत अच्छा रहा, लेकिन हम लेट हो गए। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे होमगार्ड कमांडेंट AR आजमी ने बताया कि बोरवेल में तन्मय 39 फीट पर फंसा हुआ था। देखिए साहब, ऐसा है कि इसका पोस्टमार्टम जिला अस्पताल बैतूल में किया गया है और इसकी एक एक्सपर्ट टीम बना के किया गया है और एक्सपर्ट टीम ने अपनी जो PM रिपोर्ट जो है वो थाने को सबमिट कर दिया। तो ये सोच कर रखा था कि हम सफल हो गए और हमें हमारा बच्चा सुरक्षित हमें वापस हो जाएगा। तो उन्होंने तो दिन रात प्रयास किया है। हमारे कलेक्टर साहब हो गए, SP मैडम हो गई, मतलब उनकी सारी टीम वर्क बहुत अच्छा रहा, पर कहीं ना कहीं हम थोड़ा लेट हो गए। हम इतना लेट हो गए ना, अगर हमारे पास कुछ संसाधन ऐसा रहता था ताकि हम उसको उसी दिन निकाल सकते थे। अच्छा, कुछ ऐसे हमारे पास कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास ऐसे यंत्र की कमी है। लगभग 85 आवर्स चला और आज सुबह 6 बजे तन्मय के शरीर को निकाला गया वहाँ से और पोस्टमार्टम के लिए उनको सरकारी अस्पताल लाया गया था और अभी पोस्टमार्टम के उपरांत उनके माता पिता को शरीर सौंप दिया गया है और हमारे तहसीलदार SDM भी उनके निवास पर जा रहे हैं और अभी अंत्येष्टि की जाएगी।